हेलो फ्रेंड्स, मैं अनप्रिया। वेलकम टू माय देशी कुकिंग। ईट देसी ईट हिंदी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? अभी तो गर्मियां आ गई हैं, हर जगह आम ही आम दिखता रहता है। और आपको मैं बता देती हूँ कि आम का इससे पहले मैंने आम्रखंड डाला था और आज मैं आम का ही मैं रबड़ी डालने वाली हूँ। और ये जो है बहुत ही अच्छा डिज़र्ट है। आप इसको खा के और बना के देखिए, आप बनाइए और फिर इसको आप खाइए। ये बहुत ही अच्छा लगता है। और आपके घर पर कोई गेस्ट आया है, आप उस टाइम पे आप बना के उनको खिलाइए, आपको बहुत ही तारीफ मिलेगी। हाँ, इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, रबड़ी है तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंगो रबड़ी कैसे बनाते हैं। यहाँ पे मैंने इलायची पाउडर लिया एक चम्मच, सौंफ पाउडर है एक चम्मच, और ये दूध में जो है मैंने केसर थोड़ा सा भिगो लिया है। 5 मिनट पहले आप भिगो देंगे तो इसका कलर आ जाता है रेशों का। और ये जो है मैंने लिया है चीनी, आधी कटोरी है। और ये मैंने बादाम लिया है, इसको काट लिया है। काजू है, मैंगो मैंने 2 लिया है, उसको एकदम बारीक काट लिया है। और ये दूध जो है मैंने 1 लीटर लिया है। तो फ्रेंड्स, रबड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है कि कोई कढ़ाई लेनी है, मोटी वाली, जो परत थोड़ी मोटी हो। उससे क्या होता है कि आपकी जो रबड़ी है बनेगी, लेकिन वो जलेगी नहीं, क्योंकि वो थोड़ा सा मोटे होने से उसकी रबड़ी और भी अच्छी और बढ़िया बनती है। तो यहाँ पे मैंने जो कढ़ाई लिया है उसमें मैं 1 लीटर ये दूध डालूँगी। और इसको जो है शुरू में हम लोग मीडियम फ्लेम से थोड़ा सा ज़्यादा करके रबड़ी का जो दूध है शुरू में हम लोग इसको थोड़ा सा एक उबाल पहले आने देते हैं। तो देखिए, मैंने क्या किया था कि फर्स्ट टाइम पे जब मैंने दूध डाला था तो उसको जो है थोड़ा सा लो फ्लेम पे दूध को मैंने रख दिया, क्योंकि आप चलाओगे तो मलाई तो जमेगी नहीं। तो मैंने लो फ्लेम पे दूध को रख के छोड़ दिया था, ठीक है। तो दूध में देखिए अभी मेरा मलाई जो है इतना मोटा आ गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा साइड में लगाते जाएंगे। जब हम रबड़ी बना रहे हैं तो उसमें ऐसे ही मलाई को साइड में करना है, बट ये फर्स्ट टाइम आपको करना है। सेकेंड टाइम में आप जो है दूध को थोड़ा सा तेज आँच पे करके, लेकिन फिर आपको क्या करना है कि मलाई तो जमेगी, लेकिन आपको फिर ये ऐसे ऐसे हमेशा आपको चलाना पड़ेगा। अगर नीचे अगर आपका तल्ला में दूध पकड़ लेता है तो फिर वो रबड़ी अच्छा नहीं लगेगा खाने में। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। और ये मलाई जब भी जमेगी आप इसको साइड में करिएगा और फिर थोड़ी से चला के कि तल्ला भी ना पकड़े, और इसको जो है हम लोग फिर से ऐसे छोड़ देंगे। और दूध को जो है हम लोग को इतना जो रबड़ी बनाना है, तो आपका जैसे 1 लीटर दूध है तो उसको तिहाई करना है, मतलब 300 ग्राम आपको जो है दूध को एकदम उतना ही गाढ़ा करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने जो है रबड़ी को एकदम धीरे धीरे करते करते इसको जो है 1 लीटर दूध से मैंने 250 या 300 ग्राम जो है मैंने इसको अच्छे से बना लिया है। इसका जो है इतना रहना चाहिए रबड़ी का, पतला इतना ही रहेगा, ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी एकदम जो ड्राई होता है वैसा नहीं रहेगा, ऐसा ही रहेगा। तो हम लोग अब इसमें क्या करेंगे कि जो ये इलायची है इसको डाल देंगे, और बादाम थोड़ा सा मैं डालूंगी और थोड़ा सा मैं ऊपर से डालूंगी, और ये काजू है थोड़ा सा ऊपर से डालूंगी, थोड़ा सा मैंने डाल दिया। मैं थोड़ा सा इसमें जो है सौंफ पाउडर डालूंगी, और ये चीनी है वो मैं डालूंगी। आप अपने हिसाब से चीनी, मीठा आप ज़्यादा खाते हैं तो उसको मिला लीजिए, कम खाते हैं तो आप अपने हिसाब से कर लीजिए। और मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो है एकदम रूम टेम्परेचर पे जब मेरा रबड़ी एकदम ठंडा हो जाएगा तो हम ये जो है मैंगो जो मैंने कट कर लिया है और इसको मैं डालूंगी। आपको मैं बता दी हूँ, मैंगो आप जब भी लीजिए वो रेसे वाला मैंगो नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए, ये मेरा रूम टेम्परेचर पर आ गया है रबड़ी, तो इसको हम लोग एक बाउल में निकाल लेंगे। और निकालने के बाद हम लोग थोड़ा सा ऊपर से, मैंने जो बोला था, ड्राई फ्रूट डालेंगे। और ये जो मैंगो है
थोड़ा सा बादाम डालने के बाद हम लोग ये मैंगो डाल देंगे, और थोड़ा सा मैंगो में बचा लूँगी, थोड़ा सा इस रबड़ी में ऐसे मिला लूँगी, और इसके बाद हम लोग ऊपर से थोड़ा सा बादाम डाल देते हैं, और ये जो काजू है वो डाल देंगे, और ये सौंफ पाउडर है वो थोड़ा सा मैं डाल दूँगी, और मेरे पास ये जो पड़ा हुआ है केसर अब मैं इसमें डालूँगी। और जो ये मैंगो है वो मैं ऊपर से थोड़ा सा डाल दूँगी, तो फ्रेंड्स देखिए मेरा मैंगो रबड़ी रेडी हो गया है। आप इसको खाइए, और इसको जो है आप पहले क्या करिए, खाने से पहले आप इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए, एकदम ठंडा हो जाए, फिर इसके बाद आप खाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि जब भी मैं नया रेसिपी डालूं आपको नोटिफिकेशन मिले।